हिंदुओं के अंदर खतरे को भाप लेने की क्षमता एकदम शून्य है। तालिबान सिर पर आ चुका है और हिंदुओं कोई होश नहीं है। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है प्रशासक समिति के यूट्यूब चैनल में। तालिबान की फोर्स में सबसे ज़्यादा पशतून नस्ल के लड़ाके हैं। पशतून नस्ल यानी पठान, अहमद शाह, अब्दाली भी पशतून ही था, आज के तालिबानियों का पूर्वज। 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तब उस युद्ध के बाद हजारों हिंदू महिलाओं को, अफगानियों को गुलाम बना दिया गया था। हर अफगानी कैंप में 10-10 हिंदू महिलाओं बंदी थी, जिनके हाथ पर बांध दिए गए थे ताकि बलात्कार किए जाते तो विरोध ना कर सकें। ये किताब पानीपत के लेखक विश्वास पाटिल से लिया गया है। यह घटना इसलिए बताना जरूरी है कि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तीसरी लड़ाई में हावी नहीं हो पाता अगर उसकी सेना को यमुना पार करने का संकरा रास्ता किसी हिंदुस्तानी नहीं बताया होता। तो हिंदू दूरदर्शी नहीं होता और हमेशा अपने नज़दीकी और तुरंत मिलने वाले फायदे को देखता है। इस हिसाब से चंद सोने के सिक्कों के लिए किसी हिंदू ने अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली को ये बता दिया था कि बाढ़ से उफानी यमुना को पार करने का पतला रास्ता कहाँ से है। आज तालिबान पूरे ठाट के साथ, पूरी दम के साथ काबुल पर काबिज हो चुका है और लुटी हुई अमेरिकी राइफल्स हाथों में लिए हुए इन तालिबानी लड़ाकों का सबसे बड़ा सपना यही है कि काफिरों की सबसे बड़ी धरती हिंदुस्तान को किसी तरह दारुल इस्लाम बना दिया जाए। ये वही सपना है जो उसके पूर्वज अहमद शाह अब्दाली और दानिर शाह ने देखा था। अब अब्दाली और दानिश शाह की विरासत संभालने वाले तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके हैं और उनके पास 7,500 पूरी अफगानी फोर्स है जो कि अमेरिका ने तैयार की थी। उनके पास अमेरिका के अत्याधुनिक हथियार और लड़ाकू विमान तक हैं। ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वो तालिबान है जिनको अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके पास जन्नत की हूरियों का ऑफर है जो उन्हें आसमानी किताब से मिला हुआ है। लेकिन हिंदुओं को अपनी जान की फिक्र नहीं है क्योंकि उनको आने वाले खतरे का कोई अंदेशा ही नहीं है। माफ करना, पटु शब्द है, लेकिन हिंदू खाने, मल मूत्र त्याग करने और यौन लिप्सा की पूर्ति को ही जीवन मान चुका है और इसीलिए उसे यह भी होश नहीं है कि जिस विचारधारा से तालिबान पैदा हुआ है वो देवबंदी विचारधारा का सबसे बड़ा मदरसा भारत के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, जिसके देवबंद दारुल उलूम कहा जाता है। हिंदुओं को ये भी नहीं पता कि तालिबान की स्थापना करने वाला मुल्ला उमर साल 1994 में यही भारत के उत्तर प्रदेश सहारनपुर के देवबंद से पढ़ाई करके अफगानिस्तान गया और फिर वहाँ तालिबान की स्थापना की। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने खतरे को भांपा और देवबंद में ADS के 2,000 वर्ग मीटर की जमीन देकर एक कमांडो सेंटर बनाने की योजना तैयार की है। हिंदू उस शुतुरमुर्ग की तरह है जिसे अपनी गर्दन सेक्युलरिज्म और अहिंसा के रेत पर छुपा ली है और उसे लगता है कि वो सुरक्षित हो गया है। आज हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया में जो डिबेट हो रही है उसमें अमेरिका को कोसा जा रहा है। वो अमेरिका जिसने अफगानिस्तान में ना सिर्फ अपने 2,000 जवानों का बलिदान किया बल्कि उसने 60 लाख करोड़ रुपए भी अफगानिस्तान में लगाए, जिसने तालिबान को 20 साल तक रोक के रखा, उसको पूरी दुनिया गाली दे रही है। गाली दो अमेरिका से, कोई सहानुभूति मत करो, लेकिन मीडिया की डिबेट में विषय होना चाहिए था कि भारत पर इसका असर क्या होगा। लेकिन टीवी स्टूडियो में बैठने वाले एंकरों ने ना कुरान पढ़ी है, ना शरीयत, ना हदीस, और ना ही उन्हें इतिहास की जानकारी है। उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि पठानों ने कब कब और कितनी बार हिंदुस्तान पर हमला किया। ये अनपढ़ एंकरों से और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। डिबेट में जब कोई सेना अधिकारी कोई सही बात कहने की कोशिश भी करता है तो उसे चुप करा दिया जाता है और उससे यह सवाल पूछा जाता है कि अब अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति क्या होगी। टीवी डिबेट में अनपढ़ एंकर्स को शरीयत के बारे में कुछ नहीं पता, वो फालतू में ही महिलाओं पर बहस कर रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में कौन सा तालिबान है, लेकिन यहाँ पर सारी मुस्लिम महिलाएं बुरखा पहनकर ही बाजार जाती हैं। मुख्य विषय बुरखा नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा होनी चाहिए, जिस पर एक बार भी किसी टीवी चैनल पर कोई डिबेट नहीं हुआ। जो समझदार हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हैं, यानी उनकी संख्या बहुत कम है, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अधिकांश बाकी हिंदुओं में
ये कहना चाहूंगा कि कम से कम वोट सही पार्टी को देना, ताकि अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने रहें, क्योंकि कोई तो है जिसे के पास खतरे को भांप लेने की क्षमता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।